ने जो एक वार्तालाप शुरू की है, मैं चाहता हूं कि ऐसी वार्तालाप अपने ग्रुप में नहीं हो। जी सर जी, आदरणीय एक थोड़ा सा निवेदन एक मेरा। एक मिनट एक मिनट, पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिए, फिर आपकी बात सुन। जी जी सर जी देखो, ऐतिहासिक परिदृश्य को मैं आपसे ज्यादा बेहतर ढंग से समझता हूँ, जी सर ठीक है ना। जी सर यदि आपको मैं थोड़ा सा तथ्यों को समझाने के लिए आपको बता दूं कि जी सर जब जो है 1946 में जी पहली बार जो है मुस्लिम लीग और उसमें जो है ना वो हुआ और हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाने की बात आई, तो जी जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग का सपोर्ट किया, जी उनमें से 95% लोग पाकिस्तान नहीं गए, राइट। जी सर जी सर अब मैं आपसे एक प्रश्न, बहुत छोटा सा प्रश्न पूछता हूं बच्चे, कि जी आप सर ये बताइए कि ये देश बंटना ही क्यों चाहिए था, जब नहीं सर, यहाँ पे बिल्कुल जो नहीं 95% लोग जी जो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, तो जी कितना बेहतर होता कि भारत एक संयुक्त देश होता। जी बिल्कुल सर, ये बात आप मानते कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई जरूरत नहीं थी इस चीज की सर। जरूरत नहीं थी। जिन्ना जी दुष्ट था और जी जवाहरलाल नेहरू उससे बड़ा दुष्ट था। जी सर अब आप ये बताइए कि वर्किंग कमेटी में जब जी जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था, 0 वोट मिले थे, जी सरदार सर पटेल को 12 वोट मिले थे, जी सर और जो है कृपलानी जी को 2 वोट मिले थे और 1 वोट किसी और को मिला था, जी सर तो 0 वोट को जो है ना गांधी ने अंग्रेजों के दबाव में क्यों माना, क्यों जी सर दबाव बनाया उन्होंने, जी ये गलत बात थी ना। बिल्कुल सर और बिल्कुल उन्होंने अपनी झेप मिटाने के लिए 3 तर्क भी दिए। जी पहला तर्क दिया उन्होंने कि भाई ये जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी पढ़ा लिखा है, अंग्रेजों से अच्छे ढंग से बातचीत करके उनसे अच्छा 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 लियाजन कर लेगा। जी जी तो गांधी जी इस बात को भूल गए कि सरदार पटेल भी कैम्ब्रिज पढ़े लिखे थे और इनसे 14 साल सीनियर थे, जी और उन्होंने जो करिश्मा दिखाया वो तो जवाहरलाल नेहरू की औकात ही नहीं थी। बिल्कुल सर ये बात मानते हैं आप कि नहीं? बिल्कुल सर बिल्कुल अच्छा, मानते दूसरी बात उन्होंने कही कि साहब जो है जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल की मातहती में काम नहीं करेंगे। अरे साला, जी आपको डेमोक्रेसी है, यदि आपको 0 वोट मिला होता है तो हम तो आप कह रहे हैं मातहती, हम तो आपको हिस्सा भी नहीं बनाते गवर्नमेंट का। बिल्कुल सर ये बताइए, 0 वोट पाने वाले को इवन उप प्रधानमंत्री या मंत्री क्यों बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए सर, तो गांधी जी की ये बात गलत हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल गलत सर अच्छा, तीसरी बात उन्होंने कही कि वो जो है ना कांग्रेस को बांट देता। अरे जी जिस व्यक्ति के पीछे एक आदमी नहीं खड़ा हो, उसकी औकात है कि वो कांग्रेस को बांट दे? बिल्कुल सर बिल्कुल तो और गांधी जी ने खुद कहा था कि मेरी लाश के ऊपर जो है ना देश बटेगा, और जब जी जो है देश बांटने की बात इन लोगों ने जिन्ना और नेहरू ने तय कर दी, और जब जी जो है आपको मालूम होगा सीमांत गांधी जो सीमांत गांधी खान जो थे, उन्होंने जी कहा कि आपने कैसे जो है ना भेड़ियों के सामने हम हमको डालने की जो है ना बात सोची है, बिल्कुल इससे बड़ी कोई गद्दारी नहीं हो सकती है। ये सीमांत गांधी खान का जो नहीं है स्टेटमेंट है, और बिल्कुल टंडन ने भी यही बात कही। तो अब जब जो नेहरू के बोले जो गांधी के बोलने की बात आई, तो बोले देखो भाई, आज की जी जो वर्किंग कमेटी है उससे बेहतर वर्किंग कमेटी तो नहीं हो सकती है, जो भी वो जी निर्णय लेंगे ले वो ठीक ही लेंगे, जी हमें उनकी बात मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं सर बिल्कुल देखो, मैं आपको बताऊं, पार्टीशन के समय बहुत दुष्टता हुई जब संविधान ने ये दिशा निर्देश दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, तो जी 1950 में संविधान लागू होने के बाद आपको मैरिज हिंदू मैरिज अधिनियम बनाने का क्या हक था? क्या ये संविधान के दिशा निर्देश का सीधा उल्लंघन नहीं है? तो उल्लंघन था, उल्लंघन था सर। ये दुष्टता हुई है बच्चे। नहीं एक तो ऑलरेडी देखो, अच्छा, ऑलरेडी एक चीज मिस्टर खान मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूंगा। दिल थतोल के देखना, अपने खुद के परिवार की जो है ना एक लाइन खींचना, आप पाएंगे कि दूसरी तीसरी पीढ़ी में आपको आपका जो है ना बाप दादे हिंदू मिल जाएंगे। अब आप थोड़ा सा विचार करो कि किन परिस्थितियों में आपको मुसलमान बनना पड़ा, तो उसके पीछे भय नहीं आदरणीय, भय मेरी थोड़ा यातना सा है। मेरी एक थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए, ये एक तो एक कोई मिनट मैं जस्ट मतलब खत्म कर रहा हूं, फिर आपकी बात कहना है। यदि आप उसमें देखेंगे तो भय यातना से लेके हर चीज दिखाई दे, दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी? तो आज जो मुसलमान है वो अपने आप को औरंगजेब की और बाबर की औलाद क्यों मानना चाहिए उसे? हमें कह रहे हैं कि
जिस जो धर्म जिसको मानना हो वो माने, जहां जिसको जो मोक्ष दिख रहा है उसको माने वो। और ये आपका आर्टिकल 25 आपको ये इजाजत भी देता है, देता है कि नहीं देता है? बिल्कुल देता है। वी आर हैविंग फंडामेंटल राइट टू द रिलीजन, जो कह रहा है कि हम अपने धर्म को जो है जो धर्म है मानने के लिए मिल रहा है हम उसे मानेंगे जी, और जी, जिस धर्म को हम मानेंगे उसका हम प्रचार करने के लिए भी स्वतंत्र है, राइट? जी 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 जी। लेकिन ये धर्म क्या आर्टिकल 25 इस बात की इजाजत देता है कि कोई लाल टीका लगा के कहे कि हिंदुस्तान में रहना है तो जो है वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना है तो जो है ना हिंदू बन के रहना होगा, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा? क्या ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल उल्लंघन, बिल्कुल है। और क्या मुस्लिम जो है जो ये कहे कि आप मेरा धर्म मानो नहीं तो काफिर हो, मैं तुम्हारा सिर धड़ से ज्यादा कर दूंगा और मुझे जन्नत मिलेगी और 72 हूरें मिलेंगी, क्या ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन नहीं है? सरासर उल्लंघन है सर। तो एक छोटा सा चार चार जो है ना सेक्शन का एक नियम बना देते हैं और जो जो क्राइम फ्री भारत आगे चल के बनाएगा, ये 2024 में ऐसा होने वाला है। जी जी सर, ये 200% होने वाला है। जी जी, देखो ये सब लोग हम लोगों को लड़ा के अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं। अच्छा, नहीं तो मैं आपको एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि हम एक छोटा सा चार सेक्शन का एक एक्ट बनाए जिसमें जो भी आर्टिकल 25 को उल्लंघन करते हुए कोई भी बात कहेगा वो एक संज्ञेय अपराध होगी। संघ बहुत बड़ा अपराध होना चाहिए। संघ नहीं, नहीं संघ अपराध होगा वो बड़ा अपने आप हो जाएगा। चार सेक्शन होंगे, उसमें चार सेक्शन होगा तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसको दूसरी बात है कि ये अजामानीति होगा जी। और न्यायालय भी आपको सिर्फ एक ही परिस्थिति में जो है जमानत दे पाएगा, जबकि रिपोर्ट गलत की गई हो, रिपोर्ट झूठी हो जी, तो जमानत मिल सकती है। यदि रिपोर्ट झूठी नहीं है तो जब तक केस का निराकरण नहीं होगा तब तक जमानत नहीं मिलेगी, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जेल में ही रहना पड़ेगा। जी जी। और तीसरा है कि क्राइम फ्री भारत तो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है ना, जो कह रहा है कि बिना कोर्ट जाए 3 से 30 दिन के अंदर न्याय देंगे। जी जी। तो 3 से 30 अधिकतम 30 दिन में न्याय हो जाएगा जी, और मिनिमम सजा 10 से 15 साल होगी। जी सर। और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, और यदि वो किसी संस्था से जुड़ा होगा तो संस्था की भी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। जी जी जी। अब मुझे बताओ क्या कोई संस्था ऐसी घटिया बात को जो ना सपोर्ट करेगी क्या? क्या ओबीसी की औकात होगी कि घटिया बातें कहें कि 15 मिनट के लिए जो है ना पुलिस को हटा लो तो मैं जो है ना सबको ठीक कर दूंगा? नहीं नहीं नहीं, इसकी किसी को इजाजत नहीं सर। कानून है, बराबर अपना काम करता है सर। अरे हम ये कह रहे हैं ओबीसी जेल में सड़ जाएंगे तो ओबीसी की पूरी संपत्ति, ओबीसी खुद जो है ना बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, इनको लज्जा नहीं आती है कि जो ना बाकी मुस्लिम भाइयों को जो है ना मदरसे में पढ़ाने के लिए मजबूर होते करते हैं और हम जो है ना कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं? हम इन लोगों को फॉलो नहीं करते हैं सर। हमारी बहुत सी ऐसी मतलब सोसाइटी है जो इनको फॉलो। अच्छा, अब आप अपनी बात कही। आदरणीय, एक्चुअली हुआ क्या, आपने चैट देखी होगी, ये जो श्याम वर्मा नाम के एक हैं, जो भी व्यक्ति हैं, मैंने उससे पहले बात कर ली है। अभी तो आप मैंने वार्तालाप कल क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होगी, जो हम आपसे बात जी, कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड हो रही है जी, 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 और ये भी अपलोड होगी, और जो मैंने श्याम वर्मा से बात की है वो भी अपलोड हो। बिल्कुल सर। अब आदरणीय मेरी ये है कि जब हम लोग ग्रुप से जुड़े, हमें किसी ने जोड़ा, एक आपके बहुत अच्छे मित्र है आबिद भाई शायर, तो हम लोगों का यही था कि अपने देश में जो अभी मूलभूत समस्याएं हैं सर, तो उस पर अपन ध्यान दें, और उसी रूटीन पर अपना सारा ग्रुप चल रहा था। समस्याओं को 8 महीने के लिए और 1 साल के लिए भूल जाइए। जी जी जी। 1 साल तक सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें यदि आपने समझ पाया है तो अपराध मुक्त भारत मिशन में 2 अपेक्षाएं हैं। जी जी। एक है सदस्यीय अपेक्षा, दूसरा है चंद्रगुप्त की अपेक्षा। जी जी। ये बात आपको समझ में आई है क्या? जी सर आई है। तो सदस्यीय अपेक्षा ये कहती है, ये उन लोगों के लिए है जो अच्छे भारत को चाहते हैं, जो भारत, जो क्राइम फ्री भारत ने 21 लक्ष्य रखे हैं, जिसमें हम आप और सबकी जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल। हम गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे, जो ये बादशाही व्यवस्था है जो कि भ्रष्टाचार कर रही है, बदमाशी कर रहे हैं, आप थाने जाते हैं तो आपकी FIR दर्ज नहीं होती है, संगे असंगे और जो है ना सिविल ऑफेंसेस के जो है ना कैटेगराइजेशन कर दिया है, और आप कहते हैं कि असंगे अपराध है तो आप कोर्ट में जाओ, आप असंगे अपराध है तो आप जो है वो सिविल केस है तो जो है ना आप कोर्ट में जाओ। अरे आदमी के खीसे में पैसे नहीं है, उसको न्याय भी नहीं मिल रहा है, बाहुबली उसकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, एक के बाद एक बदमाशियां और मकारियां हो रही हैं, किसी को किसी का जो है ना वो ही नहीं है। ये बताओ, ये दुष्ट राजनेता जो कल तक जो है ना
पटरी छाप थे, आज इनके पास लाख करोड़ और थाउजेंड करोड़ की जो है ना प्रॉपर्टी है, ये रईस बन गए हैं, बिल्कुल सर अपराधी हैं, इनका कोई चरित्र नहीं है, ये सबको लूट रहे हैं और दुष्टता पूर्वक लोगों को बांट के और ये दंगे कराकर ये वोटों को जो है ना स्प्लिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। बिल्कुल सर। तो बेटे जो है, एक तो मैं ये समझाइश देना चाहूंगा कि यदि कोई उकसाए भी तो इस केस को आप जो है ना अध्यक्ष को एड्रेस करो कि सर ये ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। आज के बाद मतलब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिला था? एक चीज बस, थोड़ी सी मेरी बात सुन ली आदरणीय, मैं तो पूरी आपकी बात सुनना चाहता हूँ। हुआ क्या था सर, इनने जो फर्स्ट एक मैसेज किया उसमें चैट में कि जितनी भी मुसलमान इस ग्रुप में हैं, इन मुसलमानों को ग्रुप से निकाला जाए, और मतलब बहुत गंदे तरीके से इस ग्रुप को किसने बनाया? मैथिली शरण ग्रुप। आपने सर, आप ठीक है ना जी, आप लोगों को किसने जोड़ा? मैथिली शरण ग्रुप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो किसी को ये कहने का बेटे हक नहीं बनता है। जी जी, वो कह रहे हैं कि वो जो है ना कश्मीर में रहे, वो रहे वहां पे जो है ना रहे हैं, इनको नहीं मालूम है कि मैथिली शरण गुप्त आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहे हैं। जी जी सर, जिन्होंने ढेर सारे आतंकवादियों का सफाया किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये जो है ना, देखो ये इस तरीके की बातें करके हम जो है इन दुष्ट राजनेताओं को लाभ पहुंचाएंगे जो हमें नहीं पहुंचाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमें यदि हमारी सदस्य सोच है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था बेटे, जी, कि जी। दो तरीके की भूमिका है, एक सदस्य भूमिका है, दूसरा चंद्रगुप्ती भूमिका है। जी सर जी। सदस्य भूमिका किसके लिए है? जो सोच रहा है कि भैया हमें लफड़े में नहीं पड़ना है, राइट? जी सर जी सर। हमें अच्छा भारत चाहिए, बिल्कुल। हमें जो है गुलामों वाले नियम कानून नहीं चाहिए, हमें ये जो लाटसाई व्यवस्था जो कि हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, हमारी खबर जो है ना रिपोर्ट नहीं लिखती है, हमें न्याय नहीं मिलता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ते हैं, जहां वर्षों वर्ष बीत जाते हैं, चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता है, राइट? बिल्कुल जी सर। जहां पर हम कर के बोझ, टैक्स के बोझ में दबे जा रहे हैं, टैक्स कंप्लायंस से दबे जा रहे हैं, जहां पर कि बाहुबली आतंक कर रहे हैं, बाहुबली जो है ना जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, आतंक फैलाए हुए हैं, और उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी राजनेता के चरण सेवक हैं। बिल्कुल। ये जमीन पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। तो हमें जो है, यदि जो लोग सदस्य अपेक्षा जिनकी है, उसका मतलब है कि भैया देखो, हमें भारत अच्छा चाहिए, हमारे बच्चों को और आगे वाली पीढ़ियों को भारत अच्छा चाहिए, लेकिन हम खुद किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, उनसे कहा गया है कि भैया आप सदस्य संकल्प को पूरा करो और बाकी जो है ना हम संभाल लेंगे, ठीक है? जी जी सर। तो सदस्य संकल्प बड़ा सिंपल सा है, जिसके तीन वो पैरा है। पहला पैरा कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं क्राइम फ्री भारत की सदस्य संकल्प, जिसके तहत 90 लोगों को जोड़ना है, उनको जोड़ूंगा, राइट? बिल्कुल जी, बिल्कुल। दूसरा कह रहा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर एक वीडियो रोज देखकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाऊंगा। बिल्कुल सर, ठीक है ना? तो वो आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, जोश बढ़ेगी, तो आप उतनी संगोष्ठियां करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, तो वो ऊर्जा बढ़ी रहना बहुत जरूरी है। जी सर। नहीं तो रोजमर्रा की चीजों में आदमी घुट जाता है, रह जाता है, वो नहीं कर पाता है, ठीक है कि नहीं? जी सर जी। तो दूसरी जो भूमिका उसकी है वो इस बात की है, ठीक है ना? जी सर। कि वो जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और उसमें 2500 से भी अधिक वीडियो हैं और हर दिन वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जो आपकी बातचीत है ये भी जो है ना कल तक का इसका वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है अपनी एनर्जी लेवल को ऊपर करना है, ये है शपथ का दूसरा हिस्सा, राइट? बिल्कुल। और शपथ का सदस्य शपथ है ये, और सदस्य शपथ का तीसरा हिस्सा है कि मैं जो है अपने नेटवर्क के लोगों से, राइट जी, वो ऊर्जाकृत करूंगा, तो जो ये बातचीत है यही ऊर्जाकृत करना है, संकल्प संकल्पित करूंगा। संकल्प क्या है? यदि सदस्य होगा तो 90 लोगों को जोड़ेगा, और यदि चंद्रगुप्त संकल्प है तो जिस स्तर का है उसकी जो मेरिट लिस्ट जितने लोगों की बनना है, यदि संसद का है तो 543 की मेरिट लिस्ट बनेगी, यदि मध्य प्रदेश का विधायक की है तो 230 लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी। तो और वो मेरिट लिस्ट किस चीज की होगी कि आपने कितने लोगों को जोड़ा? जी सर। इस अकेले क्राइटेरिया के आधार पर आप 230 लोगों की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। जी सर। 230 लिस्ट की जो मेरिट लिस्ट में आएगा उसे टिकट मिलना कमिटमेंट है क्राइम फ्री भारत का। तो एक राजनीतिक पार्टी से टाइप किया गया है, वो जाके जो है ना कहेगी अच्छा
आपने अपने आप को जो है क्राइम फ्री भारत का चंद्रगुप्त साबित किया, ये टिकट आपके लिए है। जी सर, हम गारंटी से 100 करोड़ से अधिक होंगे, इसमें कोई भय भ्रम नहीं है। यदि हम अपने संकल्प को पूरा कर देंगे तो हम बिल्कुल 9 दिन में 100 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। तो जी सर, 9 दिन में यदि हम 100 करोड़ के ऊपर होंगे, 100 करोड़ लोग थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे ये व्यक्ति हमारा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा, तो जी बताओ किस राजनेता की औकात है कि वो जीत जाएगा। नहीं जीत पाएंगे सर, अधिकांश लोगों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी, तो इन राजनेताओं को तो वैसे भी नहीं जीतना चाहिए था। जी सर, ये बताइए इनकी शिक्षा क्या है, सोच क्या है, चरित्र क्या है, लक्ष्य क्या है। ये बिल्कुल बाहुबली भी हैं, अपराधी भी हैं, देशद्रोही भी हैं, और बिल्कुल क्या सर, नहीं है इनके अंदर, सही है, और आम जनता पे अत्याचार कर रहे हैं। देखा बिल्कुल जाए तो सर, इन्हें हमारा नेता क्यों होना चाहिए, नहीं इन्हें होना चार चार चाहिए, पांच पांच बार का जो है ना विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए, बिल्कुल सर, ये गलत है कि नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छा, यहां पर यदि आप लोगों को जोड़ के, यदि आप अपने लोगों को, अब अपन सदस्य संकल्प तो बड़ा सिंपल है कि 90 लोगों को जोड़ना है, और जी तीसरा उसका स्ट्रेंजा कह रहा है कि हम अपने नेटवर्क के लोगों को जोड़ूंगा। सोमवार को कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी को या पति को, बच्चों जी को, अपने माता पिता और एक्सटेंडेड फैमिली जो परिवार के जितने सदस्य हैं उनको जोड़ूंगा, ठीक है ना। जी सर, जी, नंबर टू कह रहा है कि मैं जो मंगलवार को मैं अपने दोस्तों को और पड़ोसियों को जोड़ूंगा, जी सर, बुधवार को कह रहा है कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, जी सर, ठीक है ना। गुरुवार जी को सर, कह रहा है कि हम जिन भी सर्कल से जुड़े हुए हैं उन सर्कल के लोगों को जोड़ूंगा, बिल्कुल सर, राइट। शुक्रवार के जी लिए कह रहा है मैं युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। जी सर, शनिवार के लिए कह रहा है कि मैं बुजुर्गों को जोड़ूंगा, जिनकी आज समाज में जो है ना उनको लगने लगा है कि उनका जीवन बेकार हो गया है, अब उनका जो है ना जो बड़ा समय था वो बीत गया है, अब लोग जी आज समय काट रहे हैं और जी कई लोग तो मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब हमारे जीवन का कोई उपयोग नहीं रह गया है। जी सर, यदि इन लोगों को हम एक रास्ता दिखाएं और उन्हें बताएं कि आप जो है अपने बच्चों के लिए, अपने जो है ना पोतों, नाती पोतों के लिए एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं, तो ये वरिष्ठ नागरिक कितने बड़े रिसोर्स होंगे, बिल्कुल योगदान उनका रहेगा, बहुत बड़ा अनुभव योगदान सारे रहेगा। इसमें, एक छोटा बिल्कुल योगदान सर, नहीं रहेगा, बहुत बड़ा योगदान बड़ा रहेगा। योगदान रहेगा, उन्हें बिल्कुल जीने का एक मकसद मिल जाएगा, बिल्कुल सर, एक अच्छे भारत के निर्माण का मकसद मिलेगा, और वो अभी हो जाएगा, जी राइट। सर, जी सर, अच्छा, अब जो है शनिवार का हो गया कि हम बुजुर्गों को जोड़ेंगे, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ेंगे, और रविवार का है कि मैं जिन सामाजिक संगठनों से जुड़ा हूं उनके लोगों को जोड़ूंगा, राइट। जी सर, कुल जी मिला सर, के 90 लोगों को अकेला जोड़ना है, राइट। जी, सर, अच्छा, जो चंद्रगुप्ती संकल्प ले रहे हैं उनको ये लेना है कि हमें किस स्तर का करना है, राइट। जी तो उस सर, स्तर का संकल्प ले लीजिए आप। फिर आपको बिल्कुल क्या सर, करना है, संगोष्ठियां करना है, तो जी पहले से बता दो कि भैया हम आपके घर आने वाले हैं, अपने घर जी वालों को जो 2 4 5 10 पड़ोसी हो उनको इकट्ठा कर लेना, जी राइट। सर, फिर जी दूसरे के सर, घर में, फिर तीसरे घर में, फिर चौथे के घर में आप जो है ना संगोष्ठियां करेंगे, और क्राइम फ्री भारत मिशन के 2 4 YouTube जो है ना सुना देंगे उनको, तो जी वो मैथिली शरण की भाषा में उसका पूरा जो है ना आपको ज्ञान मिल जाएगा, बिल्कुल सर, राइट। जी और सर, इसके बावजूद भी किसी पे थोपिए मत, तो हम जी कहते हैं एक रजिस्टर रखिए, उस जी रजिस्टर में उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, और यदि उसने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं तो वो लिखिए, जी सर, और यदि वो तत्काल जो है ना उसको लगा कि नहीं है तो बहुत अच्छा है, तो हमें करना ही चाहिए, तो इमीडिएटली जोड़ लीजिए, नहीं तो उसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, क्राइम जी फ्री भारत सपोर्ट ग्रुप, और अपना नाम लिख लीजिए और उसको एक ग्रुप बना लीजिए, जी जितने सर, लोगों की संगोष्ठी लेते जाए उनको उसमें जोड़ते जाइए, बिना संगोष्ठी के पहले नहीं जोड़ना है, जी, राइट। पहले, जी सर, जी सर, पहले उनकी संगोष्ठी लीजिए, उनको समझाइए और उनको जोड़िए, राइट। जी सर, जी सर, अब आप ये बताइए कि यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे, जी यदि सर, आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो टाउन अधिकारी बन जाएंगे, यदि जी, आप 5 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो आप ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे, 10 को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी बन जाएंगे, 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी बन जाएंगे, और 100 को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे, राइट। जी सर, जी सर, आपको किसी के सामने ना अर्जी लगाना है ना किसी के सामने हाथ जोड़ना है, तो जी ये इस बात को बताने के लिए है कि आप अपना काम करो, आपको जी पद अपने आप मिलेंगे, राइट। जी सर, जी जब सर, आप जो है राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे तब आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होगी, तब तक आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा ही प्रारंभ नहीं होगी, जी सर, राइट। आप जी सर, चंद्रगुप्ती यात्रा में आपको क्या करना है, आपको जो है जिन लोगों से आप जुड़े हुए हैं उनको एक बना लीजिए कि हम 2 संगोष्ठी करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी जी ज्यादा संगोष्ठी करो, और जितने जल्दी करोगे, क्योंकि एक व्यक्ति यदि किसी से जुड़ गया जी तो फिर वो उसका वो दूसरे के खाते में वो कभी नहीं जाएगा,
जी सर, यदि वो डिलीट भी कर लेगा और दोबारा जुड़ेगा तो जिसके खाते से जुड़ा होगा, जिस रेफरेंस से जुड़ा होगा, उसी को उसका वोट रहेगा, जी उसी सर, को जो है ना उसके मार्क्स मिलेंगे, किसी दूसरे को नहीं मिल सकते हैं। जी सर, ऐप में ये व्यवस्था की गई है। जी सर, तो आप ये देखिए, आप यदि अज्यूम करिए थोड़ी देर के लिए, मान लें कि आप जो है मध्य प्रदेश के जो है विधायक की आपने चंद्रगुप्त बनने के लिए शपथ ली है, और जी सर, आप जो है अपने से जुड़े लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, जी सर, और आप यात्रा में चल रहे हैं चंद्रगुप्त की, राइट। जी जी सर, अब चंद्रगुप्त की जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, उस जी दिन जो है वो 230 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा वो चंद्रगुप्त घोषित हो जाएंगे। जी सर, उनके पास एक राजनीतिक पार्टी जिसका क्राइम फ्री भारत से ऑलरेडी अनुबंध हो गया है, वो जी और जी किसी को टिकट नहीं देगी, केवल चंद्रगुप्त को टिकट देगी। तो जी जी टिकट आपके घर पहुंच जाएगा बिना मांगे, बिल्कुल सर, राइट। जी और सर, जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं वो जी अपने छत पर बढ़ के चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाकर जी और जी अपने चंद्रगुप्त के फेवर में यदि संकल्प लेंगे, जी तो बताइए कोई कौन राजनेता है कि वो जो जो है ना ये दुष्ट काले चरित्र के राजनेता कोई जीत पाएंगे क्या? कोई नहीं जीत पाएंगे सर, जो चार चार पांच बार बार के एमएलए एमपी मंत्री और मुख्यमंत्री हैं वो भी हार जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल तो बिल्कुल हमें अपनी पूरी एनर्जी बकवास को हटा के इस चीज में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल और क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्य आपने पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? अभी सर पूरे नहीं पढ़ पाया था मैं, अरे उसमें तो 21 लक्ष्य पढ़ने में 1.5 पेज का 2 पेज का है, उसको पढ़ लीजिए। जी सर, उसमें सब चीज निहित है। जी आपका टैक्स खत्म हो जाएगा, आपका साइबर क्राइम खत्म हो जाएगा, आपका जी जो सर, है शिक्षा प्रणाली बदल जाएगी, किसानों जी, की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ जाएगी, कोई स्लम एरिया में नहीं रहेगा, किसी जी को सर, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की जरूरत नहीं होगी, आपको डिजाइनर घर बनेंगे, आपका जो डिजाइनर है वो आपके घर पहुंच जाएगा, क्योंकि जी ये मक्कारी बदमाशी जो है इन जी राजनेताओं की सोच का हिस्सा है। नहीं बिल्कुल तो नेचर ने अबंडेंस पैदा किया है, भारत जी, में कोई गरीब आदमी नहीं रह पाएगा। आपने वो इनकी रिपोर्ट आपकी जानकारी में है क्या, जो लॉर्ड मैकाले एंड लॉर्ड विलियम एडम, ये दो लोग हुए हैं, जी और इन्होंने जो है इन दो लोगों ने जो है एक 1780 पेज की रिपोर्ट फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की थी, जी और जिसका ओपनिंग रिमार्क था वो अंग्रेजी में है कि आई ट्रेवल्ड इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड आई डिड नॉट फाइंड एनी पुअर मैन और बेगर, राइट। बिल्कुल सर, जी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? लॉर्ड मैकाले, जिसने मैं इंडियन कल, एजुकेशन एक्ट लाया, जिसने गुरुकुल को तोड़ दिया, राइट। जी जी सर, वो जी दुष्ट कह रहा है जी सर, जिसने जो है ना भारत को जो है डिवाइड करो रूल करो, ये अंग्रेजों की चाल थी कि मुसलमानों और हिंदुओं में जो है ना हम बट गए, जी अदरवाइज जी जो है भारत में तो जो है ना ये नहीं हुआ पहले। बिल्कुल सर, कभी नहीं, अच्छा, और दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम भाई हैं, हम तो जी ये कह रहे हैं कि जिस धर्म में जिसको मोक्ष लगे वो धर्म माने, राइट। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सर, हमारा संविधान यही कह रहा है, बिल्कुल सर, राइट। अफसर, एक अफसर शाह करके भी हैं आपके, राष्ट्रीय अधिकारी बन चुके हैं, महाराष्ट्र से हैं वो, हाँ, उनसे भी आपकी शायद एक ऐसी, वो मैंने वीडियो कई देखा था कई बार आपका, बात होती उनसे, होती रहती है। अभी आपसे बात खत्म करने के बाद मैं उन्हीं से बात करूंगा। जी सर, जी, बिल्कुल तो मेरा स्वतंत्र ये है हर कहना है व्यक्ति, कि बस ये है देखो कि सर हमारी तरफ से किसी को देखो, तकलीफ ये ना जो पहुंचे, है दुष्ट राजनेता हमको धर्म में जाति में बांट रहे हैं। जी आपका एक ही धर्म है जी वो हिंदू, और हिंदू जो है ना कोई धर्म नहीं है, ये जी सनातन धर्म है, उसमें सभी धर्म आते हैं, ये कोई जी पंथ नहीं है, ये कोई जो आप समझते हैं ना घंटी बजाना नहीं है, ये जी जी इसमें जी मुस्लिम भी आएगा वो भी आएगा, क्योंकि वो तो जो है ना पूरा जो है ना सनातन ब्रह्म का ज्ञान है, वो तो जो है ना किसी पंथ से बदलने वाला नहीं है, और किसी भी जी पंथ ने यही बात कही है जो वो ब्रह्म ज्ञान है। तो चाहे वो जी ईसा मसीह हो, चाहे वो जो है ना प्रॉफिट हो, चाहे कोई हो, जी सबने एक ही बात कही है, यदि आप निचोड़ के देखो तो एक ही बात है सब जगह। बिल्कुल, आदरणीय धर्म का मतलब ये है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, ये सबसे बड़ा धर्म है, नहीं, लेकिन ये बताओ कि वही धर्म वाले चाहे अपभ्रंशित करके जी कहें, वो जी तो जी यही कर रहे हैं कि जो है मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो। सर सर, ये तो वही लोग हैं ना जो अपनी रोटियां सेंक रहे हैं सर, तो आम उन्हीं रोटी इंसान, सेंकने वालों को हमें घेरना चाहिए ना, बिल्कुल उनको सर, यदि हम उनको बिल्कुल आइसोलेट कर देंगे तो अपने आप चल जाएंगे। कल तो हम ये एक्ट लेके आएंगे जो हम आपसे कह रहे हैं। जी आप जी जी बताओ सर, फिर क्या किसी ओबीसी की औकात है कि जो घटिया स्टेटमेंट दे दे, किसी नहीं 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 सर, हिंदू की किसी औकात है कि जो है ना
चला जो है, बहुत सारे जी हिंदू आप देखिए जिसमें कि जो है ना वो लाल टीका लगा के देखने बिल्कुल से बिल्कुल साले डकैत दिखते हैं, जी, अपने आप को वो सर्वे सर्वा समझ लेते हैं। नहीं लेकिन उनके चेहरे के भाव भंगिमा को देखते हो तो वो डकैत दिखते हैं भाई। जी, लेकिन वो और ये समझते हैं कि ये जी जी किसी मुल्ले को ये अधिकार है कि वो ये बिल्कुल कहे बिल्कुल, कि किसी जो को है नहीं, ना मेरा धर्म मानो नहीं तो तुम काफिर हो। नहीं अरे भाई नहीं नहीं देखो देखो ये बात यदि हम ये करें, सभी मुसलमानों को मैं चुनौती देता हूं कि जी जी अपना दिल थतोत लो, अपने ही बाप दादाओं के नाम मालूम करो, तीसरी या चौथी पीढ़ी में आपको अपने पिताजी जो है ना हिंदू मिल जाए। देखो सर, उसमें एक बात ये है, देखो अरे ऑलरेडी आप बहुत मेरी बात सीनियर आगे है। तो सुनो, मैं ये जी नहीं कह रहा जी हूं कि आप हिंदू जी बनो बेटे, जी जी मैं जी जी आपसे कह रहा हूं कि जिसको जिस धर्म में मोक्ष हो, बिल्कुल, जिसको जिसमें खुशी लग रही है उसको लग रहा है कि हाँ ये अरे सच्चा खुशी तो है। छोटी चीज है, हम तो मोक्ष की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर जहां जिसको मोक्ष मिल जाए, जिसको जी हिंदुओं से हिंदू धर्म से मिल रहा हो, किसी को श्री राम से मिल रहा हो, किसी को शिव जी से मिल रहा हो, किसी बिल्कुल को जो बिल्कुल है ईसा मसीह से मिल रहा हो, किसी को मोहम्मद प्रॉफिट से मिल रहा हो, जिसको जहां पर जो है ना अपना कल्याण और मोक्ष मिल रहा हो जी। वो वहां से प्राप्त करे, और कोई उसको धमका नहीं सकता है, कोई उसको वो नहीं कर सकता है। कुछ नहीं जी, बिल्कुल ये जो है ना, आप बताओ ये चार सेक्शन कह दिए हम एक्ट बना देंगे तो किसी की औकात होगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऑलरेडी बिल्कुल ये बनना होना चाहिए। और हम तो ये कह रहे हैं सर कि अपनी मस्जिद और मंदिर तक अपन अपना धर्म को सीमित रखें, और अपन जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं इस ग्रुप के अंदर या आपका जो मिशन है सर देखो धर्म देखो में। देखो मैं एक जी चीज बता दूं, जी देखो लोग बाग आए, देखो एक जी चीज तो मानना पड़ेगी कि भारत बहुत ही सुंदर, भारत माता बहुत सुंदर थी, सुन यहाँ बिल्कुल एक से सर एक जो है वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण थे। ये जी जी सर दुष्ट जो है आतताई आक्रमणकारी आए, जी उन्होंने कई बार अटैक किया, जी जी हजारों और लाखों के संख्या में लोग मारे गए, भारतीय मारे गए, बिल्कुल सर, उन्होंने जो खाली है ना कर दिया महिलाओं देश के को। साथ बलात्कार किया और जी उन्हें जी ले जाकर जो है ना दो दो दीनारों में बेचा, जिसके स्तूप लगाए जो आज भी विद्यमान है, जी सर राइट। बिल्कुल सर इन्होंने अपनी क्रूरता को, अपने जो है ना क्रूर पावर को दर्शाने के लिए जी जो मंदिर जो है वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने थे, जो जी जी भारत माता के चेहरे की सुंदरता थे, इन जी लोगों ने उसे तोड़ के उस पर मस्जिद बनाई है। हम ऐसे आताताइयों से अपने आप को क्यों आइडेंटिफाई करें ये बताओ। आइडेंटिफाई नहीं होगा सर, बस हमारा कहना ये सर जो देखो पास्ट जो हो गया है। मैं देखो मेरी बात पूरा सुन लो इसको, जो मैं कहना चाह जी रहा हूं, जी सर जी मैं ये कह रहा हूं कि भारत माता का वो अच्छा चेहरा निकल के सामने क्यों नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए सर, मेरे अच्छा कहने का अब रही मतलब बात व्यक्तिगत जी भेद की, जी तो जी जिसको जो धर्म अच्छा लग रहा हो, जहां जिसको वो मिल रहा हो, जी देखिए मेरे घर में मंदिर बना हुआ है, जी जी मैं महीनों अपने मंदिर में नहीं जाता हूं, और बिल्कुल मैडम सर गुप्ता जो है ना रोज हवन करते हैं, बिल्कुल और वो कोई भेदभाव नहीं करती है किसी में। बिल्कुल सर हमारे यहाँ पे ना जाति पूछी जाती है ना धर्म पूछा जाता है, जी 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 तो ये चीजें आस्था की हैं। बिल्कुल सर और मैं आपको बता दूं कि मैं मेडिटेशन में बहुत ऊंचे हूं, और जो भी मैं आपसे बातें कर रहा हूं, जो इतनी सारी जी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, जी जी ये मैथिली शरण का ज्ञान नहीं है, ये कहीं ऊपर से आया हुआ ज्ञान है। जी 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 तो वो ज्ञान किस समय आ रहा है? जब हम मेडिटेट करते हैं उस समय वो ज्ञान आ रहा है। जी जी सर तो मेरा ये कहना है कि भैया ये दुष्ट राजनेताओं को पराजित करके एक नए भारत का निर्माण करो, जिसके तहत 21 लक्ष्य होंगे, जो जी गुलामों के नियम कानून हैं वो बदल जाएंगे, ये जो बादशाही व्यवस्था है वो बदल जाएगी, आपकी सुनवाई होगी, आप बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो बिल्कुल जाएगी, 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, 3 दिन से 30 दिन में बिना कोर्ट जाए आपको न्याय मिल जाएगा, और क्राइम फ्री भारत का जो डिजिटल इंजन है, जिसे हम डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं, वो जी अपराधी को अपराध करने के पहले पकड़ लेगा, भारत में अपराध होना एक वो नहीं रह जाएगा, और जी जब उसको सब कुछ मालूम है तो अपराधियों को सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेट करके, पुनर्वासित करके उसे अच्छे नागरिक बना दिया जाए, तो जी सर अपराध मुक्त भारत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर बिल्कुल और उसके जो है क्राइम, उसमें जो है जिसके विरुद्ध कुछ भी होगा वो उसकी रिपोर्ट करने वाले को पैसे मिलेंगे, जी इविडेंस सर देने वाले को पैसे मिलेंगे, वकील को पैसे मिलेंगे, इंटरप्रेटर को पैसे मिलेंगे, जज को पैसे मिलेंगे, और पूरे को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किए जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं आगे चल के किसी की औकात नहीं है कि वो अपराध कर दे, बिल्कुल सर बिल्कुल औकात नहीं है। 3 दिन से 30 दिन के अंदर न्याय हो जाएगा, और मालूम पड़ा कि 5 लाख जो है ना उसको या 10 लाख देना पड़ गए, राइट, तो जी जी कोई सर अपराध करेगा क्या?
बिल्कुल नहीं, 100 बार सोचेगा यदि सर। धोखे से अपराध होगा तो जाके वो कॉन्फेस करेगा कि भैया मुझसे ये अपराध हो गया, आपके पास रिपोर्ट आई हो चाहे ना आई हो, मैं अपने अपराध को कॉन्फेस करता हूँ और जी मेरे जी जी प्रति जो दया हो सकती है वो कर दी जाए, वो राइट। कर दीजिए, बिल्कुल सर, तो वो कैसा भारत होगा जहां पर टैक्स नहीं बिल्कुल होगा, जहां पर महंगाई नहीं होगी, जहां पर ये जो आपका पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर सब जो है ना दुष्टों ने थोप दिया है, जिससे कि हमारा फूड सिस्टम खराब हो गया है। आप ये बिल्कुल बताइए कि हम 16 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रहे हैं, 64 करोड़ लीटर दूध बन रहा बिच रहा है, जी 48 करोड़ लीटर दूध जो है हमारे दुष्ट लोग, हमारे ही भारतीय, वो जी यूरिया से बना रहे हैं, और बिल्कुल वो जो भी उसको जो है ना उस दूध को पिएगा उसे 4 साल में उसमें से 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। जी हम सर, दुष्टतापूर्वक जो है ना हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, हम जी जी कितने दुष्ट हो गए हैं। बिल्कुल सर, यदि हमने अपनी दुष्टता बंद नहीं की तो मैथिली सेनगुप्त का ऐलान है कि अगले 5 सालों में हर 3 भारतीयों में से 2 भारतीयों को जो है ना कैंसर होगा, बिल्कुल और सर, जब 2 लोग आपके जो है ना अस्पताल में होंगे तो तीसरा लोग उसको जो है ना देखभाल के लिए लगेगा कि नहीं लगे, जी 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 तो जी वो भारत कैसा होगा जहाँ की 99% लोग कैंसर या कैंसर की विभीषिका से जूझ रहे होंगे। बिल्कुल सर, और कैंसर क्या है आपको मालूम है बच्चे? कैंसर सर वो तो मतलब उसमें फिर जो फंस जाए इंसान तो वो उसकी बचने की नहीं संभावना नहीं 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 रहती सर। कैंसर जो है आपके शरीर की सेल का, आप जो अपने शरीर पर अत्याचार कर रहे हो, जो केमिकल का अत्याचार कर रहे हो, ये जी सर, विद्रोह है उस जी सेल का जो कभी गलती ही नहीं करती थी। जी सर, ये सेल इतनी पावरफुल है, इसमें दिमाग की तुलना में कई हजार गुना ज्यादा जो है ना मेमोरी है। जी सर, जितना दिमाग में मेमोरी नहीं है उतनी सेल में मेमोरी है। हमने अपने ही सेल के साथ इतनी दुष्टता की है कि उस सेल ने विद्रोह करके जो है ना वो बिनाइन सेल की जगह मेलाइन सेल बन गया है, और मेलाइन सेल होते ही उसमें मैलिग्निटी आते ही कैंसर हो जाता है। तो जी यदि जो हम अपने सेल के प्रति अत्याचार कर रहे हैं उस अत्याचार को हटा लें, जो जी जो अभी हमने 3 4 बातें बताई हैं यही अत्याचार है, राइट। जी जी सर, यदि हम उस अत्याचार को हटा लें जी तो कैंसर विलुप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर, कैंसर विहीन भारत होगा। बिल्कुल तो ये कैंसर जो है, अभी बताओ, ये तो जो हमारे डॉक्टर हैं वो जी हर किस्से में जो है ना धंधा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। कोरोना आया तो जी जो कि एक वायरस था, और वो वायरस जो है एंटीबायोटिक से कोई वायरस नहीं मरता है, तो जी फिर डॉक्टरों ने भर भर के एंटीबायोटिक क्यों दी? जी जी तो हर आदमी के साथ दुष्टता हो रही है। जी आप यदि याद करो तो कहा गया था कि इस वायरस से 15% लोग मरेंगे, तो जी एक जी घर में चार चार पांच पांच लोग मर गए तो वो बिल्कुल 15% से ज्यादा मर गए कि नहीं मर गए? ज्यादा मर गए, तो इसका मतलब है जिन लोगों को नहीं मरना चाहिए था, हमने जो है ना दवा लेके और गलत दवा लेके अपनी जी इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया, जिसके कारण हम मर गए, नहीं तो हम जिंदा रह जाते। बिल्कुल सर, यदि हम एंटीबायोटिक नहीं खाते और हमारी इम्यूनिटी नहीं मरती, और यदि हम नींबू का रस या जो है ना सरसों का तेल या कुछ डाल लेते, तो मेरी जी गारंटी है कि वायरस जो है ना कुछ नहीं बिगाड़ पाता आपका। जी सर, जी सर, तो फिर इस देश के साथ कितनी दुष्टता करोगे भाई? जी सर, बाहर के लोगों के प्रभाव में इतनी दुष्टता हो रही है। जी तो मेरा आपसे कमरुज्जुमा जो जी खान जी आपसे अनुरोध है कि जी अपन लोग जो है ना बड़ा संयम बरते हैं, और जी यदि किसी की बात ठीक भी नहीं लग रही है तो जी आप उसको जो है ना मुझे एड्रेस करते हुए बात लिखो कि जी सर, मैं ये चाहता हूं, ठीक है ना। जी सर, जी सर, और जी मैं सर, तो जो है ना आपसे बात करूंगा, ये जो अभी आपसे हमारी बात हो रही है जी ये जी ऑलरेडी मैं उनसे बात कर चुका हूं। जी नहीं, ऑलरेडी आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, पर हम यही चाह रहे थे कि अपने इस ग्रुप के अंदर कोई भी धार्मिक बातें ना हो, कि जो जिस मिशन के लिए अपन काम कर रहे हैं वो मैं बातें हों, इसमें तो बात ज़्यादा करिए कि भैया मैं जो है ना आज यहाँ संगोष्ठी कर रहा हूं, मैंने आज इतने लोगों की जो है ना संगोष्ठी की और इतने बिल्कुल लोगों को सर, जोड़ा है, ये बातें करो ना भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल सर, मैं इस जगह का चंद्रगुप्त बनूंगा और हम जो है जी ना वो करेंगे और हम कंपटीशन में आएंगे और जी अधिक जी से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और इन सब राजनेताओं को पराजित करेंगे। तो बिल्कुल बताओ बिल्कुल, ये भाजपा हो बात चाहे होना कांग्रेस हो चाहे कोई चाहिए भी पार्टी हो, सब हार जाएंगे कि नहीं हार जी जाएंगे? सर, बात यही होना चाहिए, और मैं आपसे सर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं नहीं बेटे, क्षमा की कोई बात नहीं है। नहीं, देखो आपने एक्चुअली रास्ता में क्या दिखाया, होता है कि जी लोबाग जानबूझ के ऐसी बात करके बांटो और राज करो वाली बात का। जी 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 नहीं, अब आपने आपको मार्गदर्शन हमें में तो कोई ये भी मैं, नहीं मालूम कि इनमें कौन सा लाल भाजपा का है, कौन सा किसका है, कौन किस जी मोटिव से क्या कर रहा है, तो हमें जी सावधान रहना है, अपने बिल्कुल सर, विवेक को नहीं खोना है।
हमें लक्ष्य याद रखना है, मछली की आंख याद रखना है, जी जी हमें जी जो है क्राइम फ्री भारत मिशन की लिंक के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़ना है, उन जी जी पर जी अपना मिशन थोपना नहीं है। जी सर जी सर तो जहां आप संगोष्ठी करते हैं एक रजिस्टर साथ में रखिए, जी उसमें सर जो लोग जो है ना बैठते हैं उनका नाम लिखिए, नंबर लिखिए, पता लिखिए, जी और सर यदि उनके कुछ कंसर्न है या उन्हें कुछ पूछना है तो वो भी उसमें लिखिए, जी राइट। सर जी सर तो जो उन्होंने मुझसे पूछा, आप जो है ना हमसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनको भी साथ में जोड़ लीजिए और जी कहिए कि सर साहब ये फलाने फलाने हैं, इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, सर आप जी इसका थोड़ा सा जवाब दीजिए, थोड़ा सा इनको समझाइए। जी तो सर लोग बाग सोच समझ के, ऊर्जाकृत होके, संकल्पित होके, शपथकृत होके जुड़ेंगे तो जी आनंद आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, सोच समझ के सब जुड़ेंगे, बिल्कुल आएगा आनंद, आएगा कि नहीं आएगा। वो फिर इंसान टूटेगा नहीं अपन से। ना केवल टूटेगा, और टूटना तो चाहिए ही नहीं। ये बताओ, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जो दुष्ट राजनेता हैं ये जी हमारे राजनेता होना ही क्यों चाहिए। मैं ये कह बिल्कुल रहा नहीं सर हूं, आज महाराष्ट्र में जी एक टैक्सी ड्राइवर जो है ना मुख्यमंत्री बना हुआ है, जी जो जी सर वसूली करता था, जी सर इसे हमारा मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? बिल्कुल सर बिल्कुल होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर क्या इतने बड़े महाराष्ट्र में, जहां इतने इतने बड़े उद्योगपति हैं, इतने इतने बड़े लोग हैं, इतने इतने जी विद्वान लोग हैं, ये जी विद्वानों की दुनिया में ये टैक्सी ड्राइवर ही जो ना इस देश को बिल्कुल चलाएंगे? सर, कोई है? एजुकेटेड लोग या जिसने देश के लिए कुछ खास मैं तो बड़ी सेवा बात कह की रहा हो। हूं कि जो हमारा ये जो ये बनेगा यही जी होगा, और मैथिली शरण गुप्त और चाणक्य की टीम पीछे खड़ी है, जो कानूनों के ड्राफ्ट बनाएगी, जो टेक्नोलॉजी का ड्राफ्ट बनाएगी, ये देश बदल जाएगा। बिल्कुल सर देखिए, बिल्कुल आप चंद्रगुप्त बनिए, बाकी चीजें अपने चाणक्य के लिए छोड़ दीजिए। जी आदरणीय, मैं बस आज से याद रखूंगा और आपको दोबारा इस मौका नहीं आपको मैथिली मिलेगा। शरण गुप्त से और मैथिली शरण गुप्त के जो पीछे बैकएंड टीम काम कर रही है उससे बेहतर चंद्रगुप्त नहीं मिलेगा। अब बिल्कुल जो सर है किसी भी राजनेता की बातों में नहीं फंसना है। जी अब सर जो है या तो हम अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य संकल्प को पूरा करके 90 लोगों को जोड़ें, जी या सर खुद जो है यदि हम जो है फ्रंट क्रीज पे खेलना चाहते हैं, खुद विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो जी जी चंद्रगुप्त यात्रा में जो है ना आप आगे आइए। ये तो मेरिट लिस्ट वाली बात है, जी सर हम अपने जी लोगों को जोड़ें और बढ़ते हुए जो है ना, यदि हम मेरिट लिस्ट में टॉप पे होंगे तो हमें जो है ना मुख्यमंत्री बनने से कौन रोकेगा। बिल्कुल सर बिल्कुल अच्छा ये बताइए, इस व्यवस्था में बिना किसी के साथ हाथ फैलाए, देखिए जी आप जी ऐप से जुड़े, आपके 5 पैसे लगे क्या? नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा अभी तक सर। आपने कितने लोगों को जोड़ा है? सर मेरे शायद 9 हो गए हैं या शायद 9 हो 10 हो गए गए। हैं, तो आपके जी जैसे ही 10 होंगे जी तो जी आप जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाएंगे। जी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सो रहा है सर, 10 ही हो गए शायद। अच्छा 10 हो गए होंगे, जी जी तो सर बाकी आपने जहन जवारत किया होगा उसके भी नंबर मिलते हैं ना हाँ जी 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 बिल्कुल सर, उसमें मिलते हैं उसके पर पोस्ट की जो अच्छी रहती है उस पर नंबर भी मिलते मिलते हैं। हैं। तो जी सर आपके जी जो है यदि आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, अभी आप जैसे ही आप 50 को जोड़ोगे तो आप जो है ना राज्य अधिकारी बन जाओगे, जी जैसे ही सर आप 100 को जोड़ोगे तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाओगे। फिर आप तो अभी से जो है आपकी यदि मान लो विधायक बनने की इच्छा है तो जी विधायक की संकल्प लीजिए, जी और सर विधायक की संकल्प एक व्यक्ति को नहीं लेना है, एक क्षेत्र से 1,000 जी लोग जी हो सर सकते हैं, 5,000 लोग हो सकते हैं, मेरिट लिस्ट में जी जिसका जी स्थान बनेगा वो बनेगा, उसको वो टिकट मिलेगा। बनेगा सर बिल्कुल सर बिल्कुल तो इससे पारदर्शी कोई तरीका हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता सर, बिल्कुल भी नहीं हो सकता अच्छा ये अब बहुत। आप ये बताइए, यदि जो वोट देने वाला है वो छत पे खड़े होकर कहेगा कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, मैं इसे विजयी बनाऊंगा, तो जी जी इससे विजिबल कोई डेमोक्रेसी हो सकती है क्या? नहीं 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 हो सकती सर, आज के जो राजनेता जीत रहे हैं वो किस आधार पर जीत रहे हैं? इन्होंने सोशल वो मीडिया में अपने हैंडलर रखे हुए हैं जो रोज बदमाशियां कर रहे हैं, जी 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 इन्होंने प्रिंट मीडिया को खरीद लिया है, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खरीद लिया है, जी आज जो सारा चैनल बैठी हुई हैं उनमें जो है ना चार जोकर बैठ जाते हैं, वो जी जो है अपने माथे पे किसी ना किसी का स्टिकर लगा के बैठते हैं, जी जी कोई किसी पार्टी का स्टिकर लगाता है, कोई किसी धर्म का स्टिकर लगाता है, कोई किसी जाति जी का स्टिकर लगाता है, मुझे बिल्कुल साला सर देशभक्त का स्टिकर लगा एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल सर बिल्कुल, देश तो के लिए कोई देशभक्त का बात नहीं स्टिकर होना करता, चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर और ये जोकर रटे रटाई बातें बोलते हैं जो इनके आता कहते हैं, बिल्कुल, स्क्रिप्ट पूरी लिखी हुई होती है इनकी लिखी पहले हुई से। होती है। जी जी तो ये जो है एक सगुब आजकल जो है ना नया सिस्टम आपको मालूम है, जी ये जो है सर्वे कराते हैं और सर्वे जी कॉनकॉक्टेड होता है, तो जी सर्वे से ये इंप्रेशन क्रिएट करता किया जाता है कि भाजपा लीड कर रही है, जो है ना कांग्रेस लीड कर रही है, सपा लीड कर रही है, तो जी जी जितना पैसा देते हैं उस तरीके के रिपोर्ट बना देते हैं रिपोर्ट बन जाती है, और माहौल उसी क्रिएट कर तरीके देते का हैं। माहौल खींच के
और फिर जी कत्ल की रात में दारू बांट के, पैसे बांट के, साड़ी बांट के जो है ना ये जीत जाते हैं। जी सर अब जी आप मुझे बताओ ये क्राइम फ्री भारत मिशन से कैसे लड़ेंगे जब हम जी अपने गरीब सदस्यों से कह रहे हैं कि ये जब कत्ल की रात में आपके पास आए तो जी इस बार उनसे 1,000 रुपये या 500 रुपये नहीं लेना है, उनसे दस जी हजार 15,000 20,000 रुपये लेना है, जी राइट। और जी यदि वो दारू बांटने आए तो एक बोतल नहीं लेना है, एक क्रेट मांगना है, राइट। जी जी यदि वो जी साड़ी बांटने आए तो एक साड़ी नहीं लेना है, कम से कम 6 साड़ी लेना है। जी सर जी इस केस में जो है इन राजनेताओं को लूट लेना है, जिसको जी वो जी कत्ल की रात कहते हैं हम उसे लूट की रात कहें, ठीक हाँ जी बिल्कुल है सर ना, हम इन जी राजनेताओं को लूट लेंगे अब। जी और जैसे ही चुनाव निकलेगा तो इनके जो है ना दुष्ट लोग, बाहुबली लोग जो है, जो हमारी जनता गरीब होगी इनसे पैसे ले लेगी और इन्हें वोट नहीं देगी, उसके हाथ पे तोड़ने पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल सर इसके लिए हम जो है एक व्यवस्था जारी कर रहे हैं जिसमें एविडेंस कैप्चर होंगे, जी और जैसे ही ये होगा हम एक ऑर्डिनेंस लेके आएंगे तत्काल, क्योंकि एक्ट लाने में देर होगी तो वो जी ऑर्डिनेंस पहले से बना के रखा गया है, जो जी बाहुबली ने कत्ल की रात में ये पैसा वैसा बांटा है ना, इन जी सबको अरेस्ट करके जेल में भर दिया जाएगा। जी सर अब बताओ फिर ये आपके साथ बदमाशी कर पाएंगे क्या? तो नहीं कर पाएंगे सर, बेहतर व्यवस्था इन्होंने रहेगी आपका ही पैसा लूटा है, हम इनका पैसा लूट लेंगे तो हमारे जी, कुछ गरीब लोगों का फायदा हो जाएगा कि नहीं हो फायदा जाएगा, हो जाएगा सही है सर है? और जी जी जो फायदा अभी तक होता रहा है उससे 10 गुना ज्यादा फायदा होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल सर और बाद में तो जो है क्राइम फ्री भारत उन्हें अमीर बनाने वाला है, क्योंकि भारत में कोई गरीब रहेगा ही नहीं। जी सर जी तो ऐसा भारत चाहोगे ना, बिल्कुल सर बिल्कुल तो खुशी तुम्हारी हो क्या से इच्छा भरा है? तुम सदस्य इच्छा रखने वाले व्यक्ति हो या चंद्रगुप्त रक्षा रखने वाले सर। व्यक्ति हो? फिलहाल तो मैं सदस्य वो थी मेरी, लेकिन अब आपसे बात होने के बाद सर माइंड सेट करता हूँ मैं और कोशिश करूँगा सर। तो सदस्य में 90 लोगों को तो जोड़ो ना भाई पहले। हाँ, बिल्कुल सर, अभी मैं ट्राई करता हूँ जल्दी से जल्दी 90 जो लोग करता हूँ पूरे। और फिर जो है चंद्रगुप्त शपथ भी लो ना, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी तक और क्या सर 12 साल नहीं हुआ था आपसे, तो मैं ऐसे ही जुड़ा था, अब आज के बाद मैं करता हूँ इसका मैं। चलिए, तो खान साहब जो है मुझे लगता है कि मैंने आपको सही ट्रैक पे ला दिया है। बिल्कुल सर बिल्कुल आदर चलिए किए हम सब मिलके एक अच्छा भारत पैदा करेंगे जिसमें जी हर धर्म और हर जाति का व्यक्ति जो है भारतीय कहलाएगा, बिल्कुल सर और भारतीय वो जो है निरोगी भी होगा, दीर्घायु भी होगा, और वो जो है स्वस्थ भी होगा, जी वो समृद्ध भी होगा, और वो जो है टैक्स फ्री वातावरण में, समृद्धि के वातावरण में जिएगा और जी अपने मोक्ष के लिए भी कुछ काम कर पाएगा, जी सर ठीक है ना। जी अब सर जो है ना किसी के बहकावे में नहीं आना है, ये बात ध्यान रखना है। नहीं बिल्कुल आदरणीय, आज के बाद आपको मतलब कोई भी ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। चलिए चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे जय मातरम। हिंद जय भारत सर, वंदे मातरम।